हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में शुरू करते हैं राष्ट्र खेल पुरस्कार 2019। तो राष्ट्र खेल पुरस्कार 2019 में किसको खेल रत्न पुरस्कार मिला है, किसको अर्जुन पुरस्कार, किसको द्रोणाचार्य पुरस्कार और किसको ध्यानचंद पुरस्कार, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटेल से। और ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में और SSC जितने भी एग्जाम में होंगे, तो राष्ट्र खेल पुरस्कार से एक सवाल फिक्स पूछे जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए तो जितने भी बताए जाएंगे सवाल सबको आपको रटना है। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए राष्ट्र खेल पुरस्कार 2019। तो राष्ट्र खेल पुरस्कार 2019, तो एक पुरस्कार कब दिया जाता है, तो राष्ट्र खेल, तो इसके बारे में देख लेते हैं परिचय। तो पहले तो राष्ट्र खेल पुरस्कार 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जयंती के दिन दिया जाता है। तो और 29 अगस्त को राष्ट्र खेल दिवस मनाया जाता है। तो दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान व कलाजयी हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीत दिलाया, तो उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिन 29 अगस्त को हर वर्ष भारत में राष्ट्र खेल दिवस के रूप मनाते हैं। तो भारत में राष्ट्र खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये भी सवाल सैकड़ों बार रिपीट हो चुके हैं। और हॉकी के जादूगर कौन है, मेजर ध्यानचंद। अब वहाँ से तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्या है, तो उसके बारे में देख लेते पहले। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। तो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत में सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर दिया जाता है। तो इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 7.5 लाख रुपये नगद पुरस्कृत व्यक्ति को दिए जाते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत जिसको, जिस खिलाड़ी को ये दिया जाता है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या मिलते हैं, एक पदक मिलते हैं, एक प्रशस्ति पत्र मिलते हैं और नगद में 7.5 लाख रुपये। और इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में हुई थी। और 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको किसको मिला है, दो खिलाड़ियों को मिला है। कौन कौन है, पहला है बजरंग पुनिया और दूसरा दीपा मलिक को। तो बजरंग पुनिया जो हैं कुश्ती से संबंधित हैं और दीपा मलिक जो हैं पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। तो 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है, बजरंग पुनिया और दीपा मलिक से। और इन लोगों का खेल भी आपको माइंड में रखना है। तो बजरंग पुनिया जो है कुश्ती से संबंधित है और दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स से। और एक नोट करके है, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992 में विश्वनाथन आनंद को दिया गया है। तो प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992 में किसको दिया गया था, विश्वनाथन आनंद को। तो सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, कब दिया था, 1992 में। और विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित हैं, शतरंज यानी चेस से। अब देख लेते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में। तो सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसके बाद अर्जुन पुरस्कार आता है। तो अर्जुन पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो यह पुरस्कार 4 वर्ष तक लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। तो इस पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई। तो अर्जुन अवार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1961 में। और दिया किसको जाता है, तो खिलाड़ियों को 4 साल तक लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपये राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो इस अर्जुन अवार्ड के अंतर्गत क्या क्या मिलते हैं, तो 5 लाख रुपये नगद राशि, अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र। और 2019 में कुल 19 लोगों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपको क्या माइंड में रखना है, तो कौन से खिलाड़ी है और किस खेल से संबंधित है, तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तेजिंदर पाल सिंह तूर जो एथलेटिक्स से है, तो इसको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दूसरा है मोहम्मद अनस जो एथलेटिक्स से हैं। तीसरा है स्वप्ना बर्मन, तो स्वप्ना बर्मन जो है इसको एथलेटिक्स से भी है। चौथा कौन है, एस भास्करन बॉडी बिल्डिंग से हैं। पांचवा है सोनिया लाठेर मुक्केबाजी से, तो इन लोगों को खेल भी माइंड में रखना है। रविंदर जडेजा जो क्रिकेट से संबंधित है, तो रविंदर जडेजा क्रिकेट से संबंधित है। पूनम
यादव जो है महिला क्रिकेट से संबंधित है, चिंगलेन सना सिंह कंचू जाम जो है हॉकी से संबंधित है, अजय ठाकुर जो है कबड्डी से संबंधित है, गौरव सिंह गिल है मोटर स्पोर्ट्स से संबंधित है, अंजुम मुदगिल जो है निशानेबाजी से संबंधित है। अगला सेल देख लेते हैं, हरमित देसाई टेबल टेनिस से संबंधित है, तो हरमित देसाई टेबल टेनिस हो जाएगा। पूजा डांडा कुश्ती से संबंधित है, तो पूजा डांडा कुश्ती। अगला देख लेते हैं, फवाद मिर्जा घुड़सवारी से है, गुरदीप सिंह संधू फुटबॉल, गुरप्रीत सॉरी गुरदीप नहीं गुरप्रीत सिंह संधू, तो गुरप्रीत सिंह संधू फुटबॉल से संबंधित है। अगला देते हैं, बी साई प्रणीत बैडमिंटन से, तो बी साई प्रणीत बैडमिंटन से है। 17वां कौन है, सिमरन सिंह सेलगी शेरगिल जो पोलो से संबंधित है, और पोलो में चार खिलाड़ी होते हैं, तो सिमरन सिंह शेरगिल जो है पोलो से संबंधित है। 18वां है प्रमोद भगत जो पैरा खेल बैडमिंटन से संबंधित है, और 19वां है सुरेंद्र सिंह गुज्जर तो पैरा खेल एथलेटिक्स से। तो इसमें आपको 1900 का खेल और 1900 का नाम आपको माइंड में रखना है, क्योंकि इससे हर एग्जाम में एक सवाल पूछे जाएंगे राष्ट्र खेल पुरस्कार से। और इसके बाद देख लेते हैं अगला क्या है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो नाम से ही ज्ञात हो रहा है, एक खेल प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या मिलते हैं, यह पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता तैयार करने हेतु कोचों को और खेल विकास के क्षेत्र में जीवन भर योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। तो इस पुरस्कार की स्थापना 1985 में हुई थी, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में हुई थी। और द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत क्या मिलता है, गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा प्रमाण पत्र और पारंपरिक पोशाक और 5 लाख रुपये नगद पुरस्कार मिलते हैं। तो अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य पुरस्कार में 5 लाख रुपये मिलते हैं नगद राशि। तो इस साल किसको किसको दिया गया है देख लेते हैं, मर्जबान पटेल तो मर्जबान पटेल जो है हॉकी के से संबंधित है, तो मर्जबान पटेल जो है हॉकी के कोच हैं। अगला किसको और मिला है साथ में, रामवीर सिंह खोखर कबड्डी से हैं, तो रामवीर सिंह खोखर कबड्डी से है। अगला है संजय भारद्वाज क्रिकेट से संबंधित है, विमल कुमार बैडमिंटन से है, और संदीप गुप्ता टेबल टेनिस से है, मोहिंदर सिंह ढिल्लन एथलेटिक्स से है। अब आखिरी देख लेते हैं ध्यानचंद पुरस्कार, तो ध्यानचंद पुरस्कार किसको मिलता है, तो यह पुरस्कार खेल कूद में जीवन भर आजीवन उपलब्धि के लिए वर्ष 2002 से शुरू किया गया है। और ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 2002 के लिए किस क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में जीवन भर आजीवन उपलब्धि के लिए। यह पुरस्कार महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले को एक प्रतिमा प्रमाण पत्र पारंपरिक पोशाक और 5 लाख रुपये नगद दिए जाते हैं। केवल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख मिलते हैं, और बाकी बाद में सब में 5 लाख प्रमाण पत्र मिलते हैं। तो इस साल का किसको मिला है ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित कौन है, मैनुअल फ्रेडरिक हॉकी से संबंधित है, तो मैनुअल फ्रेडरिक हॉकी से, अनुबासक टेबल टेनिस से है, और मनोज कुमार कुश्ती से है, नितिन कीर्तने टेनिस से है। सी लाल रेम सांगा तीरंदाजी से है। और इसके अलावा एक पुरस्कार और की घोषणा की गई है, तो राष्ट्र खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो राष्ट्र खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों के अलावा अन्य लोगों द्वारा खेल कूद के विकास में योगदान करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। तो इस पुरस्कार की शुरुआत 2009 में की गई है। तो राष्ट्र खेल पुरस्कार प्रोत्साहन की 4 श्रेणियां हैं। तो राष्ट्र खेल प्रोत्साहन पुरस्कार तो ऐसे लोगों को दिया जाता है जिसने खेल को बढ़ावा है यानी खेल के क्षेत्र में फंड उपलब्ध करवाए हैं। तो इसके अंतर्गत 4 श्रेणियां हैं, कौन कौन है देख लेते हैं, तो गगन नारंग स्पोर्ट फेडरेशन फाउंडेशन, गो स्पोर्ट्स एंड विकास के लिए खेल, रॉयल सीमा विकास ट्रस्ट। तो ये थे
राष्ट्र खेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो देखते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रोग्रेसिंग।